पांच कॉटेज रंजीत सिंह एसोसिएट्स जो हमारी फर्म है उन्होंने डिज़ाइन किए थे, और हर कॉटेज का एक्चुअली एक डिज़ाइन था, उनको एक सिमिलर तरीके से बनाना था, लेकिन फिर एक ये सोच थी कि क्यों ना इन कॉटेजेस को एक जरिया बनाया जाए एक एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बॉटल हाउसेस का आइडिया हमारे ध्यान में आया था। तो अगर आप नॉर्मल लेवल पे देखेंगे तो ज़्यादातर घर हमारे ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट इनमें बनते हैं, सब लोग उस तरीके से घर बनाते हैं आजकल, लेकिन हमने देखा है कि गाँव में मिट्टी की घर बनाने की एक अलग कला है, तो उस कला का फ़ायदा उठाना ज़रूरी था। अगर हम कॉस्ट एफिशिएंसी, कूड़ा और मिट्टी से बनाने का स्किल जो वाड़ा के लोगों में है इनको साथ में लेके आए तो ये बॉटल हाउस का आइडिया परफेक्टली बैठता था। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, और बात यह है कि ये कूड़े का उपयोग करता है जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। एक घर बनाने में 3 से 4 हज़ार प्लास्टिक की बोतलें लग जाती हैं। एक रिसर्च के थ्रू पता चला है कि पिछले 70 सालों में कुछ 830 करोड़ टन ऑफ वेस्ट, मतलब एक टन होता है 1000 किलो, तो आप सोच सकते हैं वो कितना सारा प्लास्टिक है। आई थिंक हम सब जानते हैं प्लास्टिक का कितना इफेक्ट, इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, इस वजह से उसको प्रॉपरली यूज़ करने का ये एक सही तरीका था। जो मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो जिस साइट पे ये घर बन रहे हैं वहीं से आ रही है, वो हमें किसी कहीं से ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि ये दीवारें कितनी भरोसेमंद हैं, अहमदाबाद में एक स्कूल है जिसका नाम है मानव संग्रहालय, वहाँ पे भी बोतलों की दीवारें बनी हैं, और वहाँ पे कांच की बोतलें यूज़ की गई थी यहाँ पे, जबकि हमने प्लास्टिक की यूज़ की है। इसमें जो जिस मात्रा में सीमेंट यूज़ हुआ है वो एक नॉर्मल घर से काफ़ी कम है, मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 90% कम है। कोई भी आम आदमी इसे बना सकता है, थोड़ा स्किल लगता है बट करते करते आप सीख सकते हैं, आप उसे एक छोटे लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारी यही राय है कि आप किसी जानकार आदमी, किसी मेसन को साथ में रखकर ही इसे ट्राई करें। इसके बाद जो 4 कॉटेज और आने हैं उसमें भी कोशिश यही है कि हम जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करें और कम से कम मटेरियल में एक अच्छी सी चीज़ बना के आपको। उसके बाद जब आपका ग्राउंड लेवल जिसके ऊपर बिल्डिंग बैठ रही है ज़मीन के लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद ब्रिक और सीमेंट का एक प्लिंथ बना देते हैं जिसको फिर से मिट्टी से भरा जाता है। तो एक बार आपकी नींव पूरी हो जाए उसके बाद बारी आती है आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर की या आपके ढांचे की। ढांचे में 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ है आपके कॉलम्स जो हम खड़े लगाते हैं 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे कम से कम, और फिर उनके बाद आते हैं बीम्स जो लिटाकर लगाए जाते हैं उन कॉलम्स के ऊपर, और वो बीम्स उन कॉलम्स को साथ में बांध कर भी रखते हैं। इस ढांचे के ऊपर बैठती है हमारी छत जो अगेन एक स्लोपिंग रूफ है,
तो जैसे ही आपका ढांचा तैयार हो जाता है, अब बारी आती है हमारे बॉटल वॉल्स की। तो एक बार आपने ये बोतलें इकट्ठी कर ली, अब काम आता है उन्हें भरने का। जैसे ही आप उसे मिट्टी से भर देते हैं, उसके बाद जो आपकी बोतल की कैप होती है उसके एंड पे थोड़ा सीमेंट लगा के उसे बंद कर देते हैं, ताकि कल जब उस पर दबाव पड़े तब वो खुल ना जाए। तो सब कुछ करने से पहले हमारा ये तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉटल्स रेडी हो, और उसके बाद ही आपको अपना जो मिट्टी का लेप है उसे तैयार करना है। एक बार आपका मिट्टी का लेप बन जाए, आप फिर प्लेसमेंट चालू करते हैं। नॉर्मल कोई भी दीवार जैसे बनाई जाती है, आपका एक धागा होता है जिसको दो एंड से बांधा जाता है, जिसके अलोंग आप अपनी दीवार को ले करते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो आपकी दीवार सीधी नहीं बनेगी, और अगर वो सीधी नहीं बनेगी तो फिर वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का खास करके काफ़ी ध्यान देना है। जो पहला आपका जो कोर्स लगेगा, आपको उसको सीमेंट के ऊपर लगाना है, ताकि क्योंकि ये आपकी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, दीवार इसके ऊपर खड़ी रहने वाली है, तो उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम मिट्टी का लेप यूज़ करके और लेयर्स को लगाते जाते हैं। दीवारों की ऊंचाई पे एक लिमिट है, अगर हमारी दीवार कह लीजिए 2.5 मीटर ऊंची है, तो हम उसे 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे कि आपके पहले 3 कोर्स लगने के बाद एक सीमेंट की पाटली जैसी, एक सीमेंट का बैंड जैसा ले किया जाता है, जैसे एक नॉर्मल बीम होता है उसके अंदर थोड़ा सलिया भी जाता है, तो इसमें काफ़ी कम मात्रा में सलिया है, उतना नहीं जितना एक नॉर्मल बीम में हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी दीवार की हाइट को एक ब्रेक मिले और दीवार थोड़ी मजबूत रहे। ये जो बैंड्स है, यही बैंड्स सिल और लिंटल का काम करते हैं। लिंटल के नीचे और सिल के ऊपर आपकी खिड़कियाँ बैठती हैं, तो जहाँ खिड़की है वहाँ पे तो हम बोतल डाल नहीं सकते, इसके लिए हमें एक सपोर्ट देना पड़ता है ताकि वो उसके ऊपर का भार सह सके। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे हमने की थी, वो ये थी कि इन बोतलों को एक डोरी से बांधा गया था। ये डोरी जो है इन सबको साथ में रखने का काम करती है। एक ज़रूरी चीज़ ये भी आप कर सकते हैं, जो आपको मेरे हिसाब से करनी चाहिए, कि एक बार आपकी दीवारें बन गई, आपके जो आपकी दीवार बाहर की तरफ फेस कर रही है, आप उस पर एक प्लास्टर का हाथ दे दें। इसमें एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपकी मिट्टी का एक अपना कलर है, अपना रंग है, अगर आप उसी का प्लास्टर लगाते हैं तो आपको अलग से पेंट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो उसका नेचुरल कलर है वही आपकी दीवार पे आ जाएगा, तो वहाँ पे भी एक तरीके से आपके कॉस्ट में बचत हो जाती है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं जब हम ऐसे घरों की बात करें।